हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक निपॉन के सिंगल डिन कार स्टीरियो की। दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टीरियो है ये। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों वीडियो आपको पूरी देखनी है। दोस्तों कुछ लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और मेरे से दोस्तों इसका प्राइस या फिर टेक्निकल डिटेल पूछते रहते हैं दोस्तों कमेंट में। दोस्तों वीडियो में ही मैंने सब कुछ बताया हुआ होता है, कृपया करके आप वीडियो पूरी देखें। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं दोस्तों इसका प्राइस भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंपनी ने बॉक्स पर क्या मेंशन कर रखा है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर निपॉन की ब्रांडिंग दी गई है, और दोस्तों ये निपॉन की साइट है nipponaudio.com। और दोस्तों यहाँ पर हमारा निपॉन का एक स्टीरियो बना हुआ है। तो नीचे की साइड में यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है NMM300BT, और दोस्तों सिंगल डिन कार स्टीरियो MP3 प्लेयर। और दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन दिखाई गई हैं, USB और SD कार्ड, डायरेक्ट इसमें मेमोरी कार्ड भी दोस्तों आप इसमें लगा सकते हो। और दोस्तों ये जो मॉडल है हमारे पास ब्लूटूथ वाला है, और दोस्तों यहाँ पर है MP3 डिजिटल साउंड। दोस्तों जो इसकी साउंड है वो डिजिटल है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ साइड में कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है। तो जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हो साइड में लिखा हुआ है इसका सिंगल डिन कार ऑडियो सिस्टम, और दोस्तों वही इसका मॉडल नंबर NMM300BT। और दोस्तों ये जो मंथ ऑफ इंपोर्ट, दोस्तों ये जनवरी 2021 को इंपोर्ट किया गया है, और दोस्तों क्वांटिटी हमारा एक सेट है इसके अंदर। और दोस्तों यहाँ पर इसकी कुछ और डिटेल दी गई हैं, चाहे तो आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम इसकी दूसरी साइड देख लेते हैं। दोस्तों नीचे की तरफ इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 40W x 4 MOSFET। दोस्तों जो 40W है दोस्तों वो इसकी मैक्स पावर है। दोस्तों जो इसकी एक्चुअल RMS पावर है वो लगभग 18 या 20 W पर चैनल है दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा 4 चैनल एक MP3 प्लेयर है। और दोस्तों इसमें नीचे की तरफ लिख रखा है कंपनी ने फ्रंट USB और ऑक्स इन। दोस्तों जो हमारा फ्रंट पैनल है उसमें ही हमें फ्रंट में USB और ऑक्स के लिए देखने के लिए पिन मिल जाती है, ब्लूटूथ फॉर कॉलिंग एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग। और दोस्तों यहाँ पर दो पोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो कार MP3 प्लेयर USB SD, और दोस्तों MMC कार्ड भी लगा सकते हैं हम इसके अंदर। तो जैसे कि नीचे की भी कुछ फीचर दिखाए गए हैं, LCD डिस्प्ले है दोस्तों इसकी, और 18 FM स्टेशन है इसके अंदर, और दोस्तों ऑक्स इनपुट है, और दो प्री आउटपुट है जो दोस्तों हमें बैक में देखने के लिए मिल जाते हैं। जो हमारे इनपुट सॉकेट होते हैं दोस्तों वो दो प्री आउट हैं इसके अंदर। दोस्तों नीचे की तरफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्ट इन ब्लूटूथ, और दोस्तों रिमोट कंट्रोल ये हमारा स्टीरियो है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखा देता हूँ, और तो दोस्तों इसमें कुछ है नहीं। चलिए दोस्तों अब मैं इसको आपको जल्दी से अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर सबसे पहले हमें कपलर देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों ये जो कपलर है हमारा स्पीकर का कपलर है, और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बताया था ये 4 चैनल एक MP3 प्लेयर है, 1, 2 और 3, और चौथा दोस्तों ये हमारा ये है। चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने बैटरी वाले कपलर की तरफ। दोस्तों ये ग्राउंड वायर है, और दोस्तों ये बैटरी के लिए, और दोस्तों ये हमारा स्विच का काम करेगा, और दोस्तों ये है हमारा एंटीने की वायर। चलिए मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक रिमोट, और दोस्तों यहाँ पर इसकी यूजमेंट देखने के लिए मिल जाती है। चलिए मैं इसको पॉलीथीन से निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हम इसकी यूजर मैनुअल देख लेते हैं दोस्तों, वही मॉडल नंबर और कुछ डिटेल और दी गई। और दोस्तों ये पैनल फंक्शन दिए गए हैं, चाहे तो आप इन्हें भी पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए मैं दूसरा पेज खोल लेता हूँ। आप ये किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो ये दिखा रखा है दोस्तों इन्होंने यहाँ पर। दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर टेक्निकल डाटा के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आप साइड में देख पा रहे हो यहाँ पर द यूनिट पावर इज सिक्योर। दोस्तों 12 वोल्ट का हमारा ये स्टीरियो है, और दोस्तों जो स्पीकर हम इस पर यूज़ कर सकते हैं वो 4 और 8 ओम के दोनों स्पीकर हम इस पर यूज़ कर सकते हैं, हाई पावर मशीन। और दोस्तों यहाँ पर मैक्स जो पावर आउटपुट है दोस्तों वो 25W x 4 है दोस्तों, और जो इसकी रेटिंग पावर है RMS पावर दोस्तों वो आउटपुट रेटिंग है इसकी 20W x 4। दोस्तों ये 20W पर चैनल हमारी RMS निकालता है। और दोस्तों नीचे की तरफ भी कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है, चलिए मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने रिमोट के ऊपर।
एक छोटा सा कंपनी ने रिमोट दे रखा है यहाँ पर। और दोस्तों अच्छी बात इसमें देखने के लिए ये है दोस्तों, रिमोट के साथ हमें एक सेल भी यहाँ पर मिल जाता है। चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर दो पत्ती हमें मिल जाती हैं दोस्तों, ये स्टीरियो को माउंट करने के लिए आती हैं यूज़ में। चलिए इसको भी साइड में रख देता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने स्टीरियो के ऊपर। चलिए बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। अगर कोई इसे ख़रीदेगा तो दोस्तों इस वारंटी कार्ड को भरकर उसे मिलेगा। चलिए मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। और दोस्तों ये है हमारा कुछ इस तरह का स्टीरियो। चलिए मैं इसको पॉलीथीन से बाहर कर लेता हूँ। और दोस्तों यह है इसका कुछ फ्रंट पैनल, इस तरह का देखने में दिखाई देता है। और दोस्तों इस स्टीरियो की मैं बात बताऊं, इसको मैं लगभग 2 साल से मैं खुद यूज कर रहा हूं। काफ़ी अच्छा स्टीरियो है और काफ़ी अच्छी इसकी आउटपुट है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको फ्रंट पैनल की बात बताऊँ दोस्तों, ये बैंड के लिए हमें बटन मिल जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए। और दोस्तों ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, और यहाँ से आप अपनी जो वॉल्यूम है इसकी म्यूट भी कर सकते हो दोस्तों। ये मोड का बटन है, और ये क्लॉक। और दोस्तों ये गाने या सॉन्ग्स चेंज करने के लिए इसमें बटन दिए गए हैं। और दोस्तों ये वॉल्यूम नॉब है इसकी, और डायरेक्ट आप इसमें दोस्तों मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों ये ऑक्स का इसमें इनपुट दिया गया है। और दोस्तों जैसा कि फ्रंट पैनल में कंपनी ने लिख रखा है दोस्तों, 2 USB पोर्ट हैं इसके अंदर। आप एक से चार्ज और एक से आप अपनी मेमोरी कार्ड या फिर जो भी आप पेंडे वगैरह यूज करना चाहते हैं एक साथ यूज कर सकते हो। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। दोस्तों जो इसकी डिस्प्ले है वो दोस्तों LCD डिस्प्ले है। और दोस्तों जो इसकी डिस्प्ले है वो रात में काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। ये है इसकी वॉल्यूम नॉब, यहाँ से आप वॉल्यूम या बेस या फिर ट्रेवल्स यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो। और कुछ देखने में हमारा स्टीरियो इस तरह दिखाई देता है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने बैक साइड पर। बैक साइड दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सॉकेट हमें देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर एंटेने की वायर के लिए। और दोस्तों इसमें 2 प्री आउटपुट हैं, 1 और दोस्तों 2। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों ये 4 है, नहीं दोस्तों ये 4 नहीं है, 2 ही प्री आउट हैं दोस्तों। एक यहाँ पर हमारे एक चैनल का है और एक चैनल का ये। और दोस्तों यहाँ पर हमें सॉकेट लगाने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर 10 एम्पीयर का हमें फ्यूज भी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए मैं आपको सॉकेट कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम अपना कनेक्ट करेंगे बैटरी का सॉकेट, जो कि इस तरह कनेक्ट हो जाता है। और दोस्तों ये है हमारा स्पीकर का सॉकेट। सॉकेट दोस्तों हमारा कनेक्ट हो चुका है, अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है। आप किसी भी कार या फिर ट्रैक्टर या फिर किसी भी व्हीकल में इसे यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी दोस्तों इसकी आउटपुट है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों जो इसका प्राइस है वो आपको 2500 से लेकर 3000 की रेंज में इजीली मिल जाएगा। अगर कोई भी भाई इसे ख़रीदना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इससे सस्ते स्टीरियो ख़रीदनी हो तो दोस्तों इससे पहले मैंने हमान के स्टीरियो की अनबॉक्सिंग की थी, और हमान के स्टीरियो के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी थी दोस्तों। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। और प्राइस के हिसाब से दोस्तों वह भी बेस्ट स्टीरियो है, और प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये भी बेस्ट स्टीरियो है। तो दोस्तों हमारा एक नेक्स्ट चैनल और है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको किसी भी सॉन्ग्स की वीडियो देखनी हो तो मैं उस चैनल पर भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाएँ। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।